सेवक की जरूरत है। नमस्कार, माइक के महारथी के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा एसआर खान। माइक के महारथी यानी भाषणबाज नेताओं की खोज खबर लेने वाला हमारा ये शो। आज इसमें आपको लेकर चलेंगे हम बिहार, और माइक के महारथी आज बने हैं तेजस्वी यादव। दरअसल कल बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्मदिन था। राजधानी पटना में बिहार कांग्रेस ने उनकी जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में आरजेडी नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। अब कार्यक्रम में भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके साथ साथ बिहार की जो नीतीश सरकार है उस पर भी जमकर हमला बोला। दिखाते हैं आपको जब माइक पर आए तो क्या माहौल बनाया तेजस्वी यादव ने अपने भाषण से। जिस प्रकार से जो आज तानाशाह का दौर जो चल रहा है, सच बोलिएगा तो सजा मिलेगा, और टीटीएम अगर कीजिएगा तो आपको पद मिलेगा। टीटीएम मेरे पिता बोलते हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश। कुछ लोग टीटीएम में लगे रहते हैं, कुछ लोगों का डीएनए खराब था अब ठीक हो जाता है, कुछ लोग मिट्टी में मिल जाने की बात करते हैं, साथ जाने पे अगर साथ चला जाऊंगा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। साथ तो चलेंगे लेकिन मिट्टी में कब मिलेंगे पता नहीं। आपको देखने की जरूरत है कि आज एक आंकड़ा हम आपको देते हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं और भी आप सब लोग हैं, 98 से लेकर 2004 एनडीए की सरकार रही जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे लगभग 6 साल, नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतते हैं 2014 में, 2018 हो गया 4 साल यानी 10 साल, और 10 साल रहा 2004 से लेकर 14 तक यूपीए का, जिसमें यूपीए 1 में लालू जी की भी भागीदारी मजबूती के साथ ही बिहार की जनता ने भारी अपार समर्थन देकर के, बहुमत देकर के लालू जी को केंद्र में भेजने का काम किया, जिसमें कि हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। यूपीए सरकार ने 4 से 14 तक, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, ताल ठोक करके कहना चाहते हैं, और कहना ही नहीं चाहते बल्कि हम जवाब भी सुनना चाहते हैं मौजूदा सरकार से, चाहे केंद्र में बैठे लोग हों या चोर दरवाजे से बिहार में सत्ता हटिया करके आए हुए नेता लोग, हम उनसे जवाब चाहते हैं और उनको ये भी बताना चाहते हैं कि 2004 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार ने लालू जी और सब लोगों के, सोनिया मैडम जी के, मनमोहन जी के, राहुल जी के सहयोग से बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है 10 साल में। हम पूछना चाहते हैं हमारे चाचा नीतीश जी से, अफवाह मियां सुशील मोदी जी से जवाब चाहते हैं कि 10 साल, 10 साल आपको हो गया भाजपा को शासन में, अगर आप हमको जवाब दे दीजिएगा कि मोदी जी ने या एनडीए की सरकार ने बिहार को कुछ दिया, कुछ भी दिया, तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, लेकिन उनके पास जवाब होगा नहीं। यहां तो बिहार की बोली लगाई गई थी आरा की जनसभा में, 70,000 करोड़ दू की, 80,000 करोड़ दू, 90,000 करोड़ दू की, चलो 1,25,000 करोड़ रुपया दिया। अब वहां बैठे लोग समझ ली कि मिल गया। बिहार में आया था बाढ़ 2000 कुछ साल पहले, तो उन्होंने बोला था 500 करोड़ रुपए का बाढ़ को पैकेज देने का काम करेंगे, लेकिन आज क्या हुआ? एक भी वादा अगर मौजूदा सरकार ने अगर करने का काम किया है या वादा को पूरा करने का काम किया हो, चाहे काला धन लाने की बात थी, 15 लाख रुपए खाता में जमा करने की बात थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रति एक साल देने की बात थी, तो आप हमको बताइए। और नीतीश जी से हम पूछना चाहेंगे
कि आप कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मोदी जी गाली नहीं दे रहे डीएनए का, बल्कि बिहार के लोगों को डीएनए का गाली देने का काम करें, जिसमें आप हस्ताक्षर अभियान चला करके अपना बाल नाखून कटवा के पीएम हाउस भिजवाने का काम किया था। हम जानना चाहते हैं कि नीतीश जी, आपने कहा था कि बिहार को गाली दिया गया, आपको नहीं दिया गया, लेकिन जिन्होंने बिहार को गाली देने का काम किया, आपने उनके साथ समझौता कैसे किया, आपने कैसे समझौता किया? हालांकि जो भी हो गया, बिहार में अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, किसान मजदूर बदहाल है। कई यहां बैठे होंगे किसान परिवार से आते होंगे, आज क्या किसानों की स्थिति है? महंगाई चरम सीमा पर आ गई, क्या हो रहा है देश में? आपका देश सुरक्षित नहीं रह गया। अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग 18 किलोमीटर भारत के बॉर्डर के अंदर आ गए और मोदी जी गायब है, पता नहीं कहां है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो हम लोग चुनाव में घूम करके प्रचार में कहा करते थे, लोग नारा लगाता था उस समय भाजपा वाला लोग, हर हर मोदी घर घर मोदी। हम लोग बोलते थे हर हर मोदी घर, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, ये बड़बर मोदी और गड़बड़ मोदी। झूठ, खाली झूठ, वादा और झूठ और झूठा सपना दिखाना, उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। आज देखिए समाज में किस प्रकार से भाईचारा को भंग किया जा रहा है, भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप सब लोगों से, आप लोगों से अपील करते हैं कि एकजुट होकर के आने वाले समय में और इनके अफवाहों से आप लोग बच करके रहने का काम कीजिएगा। तरह तरह का अफवाह चलाने का काम करता रहेगा। आप कहते थे जंगल राज, जंगल राज। आज अगर आप ही का क्राइम रेट का आंकड़ा अगर देख लिया जाए, तो आप ही के सरकार का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें दिखाता कि सबसे ज्यादा अपराध जो है, जब भाजपा, जब नीतीश कुमार जी साथ मिले, तब से सबसे ज्यादा आंकड़ा बढ़ा हुआ है। तब तो हम मान लें कि राक्षस राज आ गया है, जहां बच्चियों का चीरहरण किया जा रहा है, द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। ऐसा कभी देखे थे कि पिता के सामने उनकी बीवी और उनकी बेटी का गैंगरेप कर दिया गया हो? शेल्टर होम मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, वहां लगातार सरकार द्वारा स्पॉन्सर ये इसको बढ़ावा देने का काम किया, उसमें कई लोगों का नाम है। लेकिन अभी भी देखिएगा जैसे सृजन घोटाले में बहुत लोगों को बचा लिया गया, इसमें भी बचा लिया गया। एक आंकड़ा आया है जिसमें बिहार को सबसे ज्यादा पूरे देश में आखिरी पायदान पर रखा गया है कि सबसे गरीब राज्य है। यह डबल इंजन की सरकार कही थी कि डबल इंजन लग जाएगा तो बिहार में विकास की गाड़ी पर चढ़ेगी, ये क्या हुआ? अपराध भ्रष्टाचार में इंजन लग गया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।